What's up everyone? स्वागत है आप सभी लोगों को नो इन शॉर्ट के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मोबाइल इन कैमरा ट्रांजिशंस के बारे में। इससे पहले मैंने मोबाइल वीडियोग्राफी के ऊपर और वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें मैंने बहुत सारे जरूरी इन्फॉर्मेशन जैसे कि किस तरह से आप अपने मोबाइल डिवाइस को सेट कर सकते हो, किस तरह से आप शूट कर सकते हो, ऐसे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। अगर उन वीडियो को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देख लें ताकि उसके मदद से आप अपने डिवाइस को प्रॉपरली सेट कर पाए और इस वीडियो में मैं जो अभी इन कैमरा ट्रांजिशंस के बारे में बात करने वाला हूँ वो प्रॉपरली आप क्रिएट कर पाए। दोस्तों ट्रांजिशंस मतलब एक सीन से दूसरे सीन में आप किस तरह से मूव कर रहे हो। लेट्स से आपने एक शॉट लिया है घर के अंदर एंड दूसरा शॉट लिया है किसी पार्क में, तो यहाँ से ऑडियंस को उस पार्क तक लेके जाने के लिए आप ट्रांजिशंस का यूज करते हो। इसीलिए आपका जो वीडियो में जो ट्रांजिशंस होगा वो जनरली सीमलेस होना चाहिए। आपके जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारे इनबिल्ट ट्रांजिशंस आते हैं लेकिन उसको आप किसी भी जगह में किसी भी पॉइंट में अगर यूज करोगे तो आपका जो वीडियो का क्वालिटी होगा वो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए ट्रांजिशंस को सेंसिबली यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड अगर सेंसिबली आप ट्रांजिशंस को यूज करते हो तो वो डेफिनेटली आपके वीडियो के क्वालिटी को इंप्रूव करता है। इस वीडियो में मैं इन कैमरा ट्रांजिशंस के बारे में बात करने वाला हूं, मतलब कि जो ट्रांजिशंस मैं यहां पे दिखाऊंगा वो सारे ट्रांजिशंस आप अपने मोबाइल को यूज करके क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ता। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहला इन कैमरा ट्रांजिशन जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है पैन एंड वाइप। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये ट्रांजिशन दिखता कैसा है। दोस्तों ये ट्रांजिशन क्रिएट करना काफी आसान है, इसके लिए दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला कि जब आप शूट करोगे तो एक तरफ से आपको वाइप करके लाना है एंड उसके बाद सब्जेक्ट के ऊपर धीरे से आपको पैन करना है एंड उसके बाद फिर से आपको वाइप करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट क्लिप को आप जिस सरफेस पे एंड कर रहे हो चाहे वो व्हाइट हो, ब्लैक हो या कोई भी कलर हो, दूसरा शॉट जो होगा आपका सेम कलर या फिर नियरेस्ट कलर से शुरू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट शॉट को ब्लैक सरफेस के अंदर खत्म किया है तो दूसरा शॉट भी आपके ब्लैक सरफेस से ही शुरू होना चाहिए। अदरवाइज पोस्ट प्रोडक्शन में जब आप दोनों क्लिप को एक साथ जोड़ोगे अगर कॉन्ट्रास्टिंग कलर होगा तब आपका ट्रांजिशन जो होगा वो सीमलेस नहीं दिखेगा। इसलिए सीमलेस ट्रांजिशन के लिए दोनों जो कलर होगा वो सेम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इन कैमरा ट्रांजिशन है रोटेशन ट्रांजिशन, तो जाइए देखते हैं कि ये ट्रांजिशन दिखता कैसा है। जैसे कि आपने देखा कि ये भी ट्रांजिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। इस ट्रांजिशन को क्रिएट करने के लिए सिंपली आप जब सब्जेक्ट को शूट करोगे तो एक तरफ से आपको ऐसे रोटेशन करके लाना है अपने कैमरे को, उसके बाद सब्जेक्ट के ऊपर एक दो सेकंड के लिए होल्ड करके फिर से आपको रोटेट करना है एंड जब नेक्स्ट शॉट लोगे तो नेक्स्ट शॉट को आपको फिर उस तरफ से शुरू करना है एंड देन सेम सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा देर रख के आपको फिर रोटेट करना है। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में जब आप दोनों क्लिप को एक साथ जोड़ दोगे तो कुछ इस तरह का ट्रांजिशन क्रिएट होता है। थर्ड जो इन कैमरा ट्रांजिशन के बारे में बात करने वाला हूं वो है जूम ट्रांजिशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये ट्रांजिशन दिखता कैसा है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये ट्रांजिशन भी काफी इंटरेस्टिंग दिखता है लेकिन ये ट्रांजिशन इन तीनों ट्रांजिशन में से सबसे ट्रिकी है। इसका मेन रीजन यही है कि जब आप कैमरे को जूम करके किसी सब्जेक्ट की तरफ लेके जाओगे तो आपके लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि उस सब्जेक्ट को आप फोकस में ला पाओ। आप ट्राई करके देख सकते हो, किसी एक सब्जेक्ट को दूर में रखिए एंड उसके बाद अपने मोबाइल को या फिर कैमरे को ऐसे आप जूम करके लेके जाइए तो आपके लिए ये बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप उस सब्जेक्ट को कम्प्लीटली फोकस में ला पाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आप वीडियो को पास से शूट करें, ओके, सब्जेक्ट को पहले आप फोकस में ले लें उसके बाद आप कैमरे को दूर लेके जाएं। जब आप पोस्ट प्रोडक्शन में उस वीडियो को जोड़ोगे तो उस वीडियो को आप रिवर्स कर दें। इससे क्या होगा कि रिवर्स में आपका वीडियो ऐसा दिखेगा कि आप सब्जेक्ट की तरफ जूम करके जा रहे हो और क्योंकि आपने पहले फोकस करके रिकॉर्ड किया था इसीलिए रिवर्स जब आप कर दोगे तो आपका जो वीडियो होगा वो कम्प्लीटली उस सब्जेक्ट में फोकस दिखाई देगा, इसीलिए वो ट्रांजिशन बहुत ही अच्छे दिखाई देगा। अदरवाइज आप सिंपली अगर इस तरह से डायरेक्टली जूम करके अगर उसको रिकॉर्ड करने जाओगे तो आप इस तरह का ट्रांजिशन क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो आशा करता हूँ कि ये तीनों ट्रांजिशन आप लोग को इंटरेस्टिंग लगी होगी, आप इस वीडियो से
कुछ सीख पाए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में सुझाव बताइए कि आप किस तरह का वीडियो मेरे से चाहते हैं, मैं उस तरह का वीडियो लाने के लिए कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।